जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री राम कथा हर मनुष्य को जीना सिखाती है, क्योंकि रहते तो पशु भी हैं, परंतु जीने की संभावना सिर्फ मनुष्यों में होती है। श्री राम कथा के सभी पात्र जीवन का अद्भुत संदेश देते हैं, और राम कथा से सिया राम जी का अद्भुत स्वरूप निकलकर हमारे सामने आता है। जीने के सूत्र क्या होंगे, यह हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा में गहराई से प्रवेश करने से पहले चलिए एक छोटी सी कहानी को समझ लेते हैं। एक बादशाह के दरबार में होने वाले संगीत कार्यक्रम के लिए किसी बहुत बड़े संगीतकार को बुलाया गया। उस संगीतकार ने एक शर्त रख दी कि मैं संगीत तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी संगीत सुनकर यदि किसी ने गर्दन हिला दी तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बादशाह ने संगीतकार की शर्त मंजूर कर ली। सभी को सूचना दे दी गई कि कार्यक्रम में वे ही लोग शामिल हों जो अपनी गर्दन पर नियंत्रण रख सकें। अगर किसी ने गर्दन हिलाई तो काट दी जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले जहां 50,000 लोगों के आने की संभावना थी, वहां इस घोषणा के बाद कुछ हजार लोग ही शामिल हुए, और वे भी प्रयास कर रहे थे कि किसी भी कारण से उनकी गर्दन न हिल जाए। बादशाह के सैनिक खुली तलवार लेकर चारों ओर खड़े हो गए। कार्यक्रम आरंभ हुआ। वास्तव में अद्भुत संगीत की प्रस्तुति थी। एक एक करके धीरे धीरे 100-200 लोगों की गर्दनें हिलने लगी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर दंड की घोषणा के बाद भी गर्दनें हिल रही हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बादशाह ने सैनिकों से कहा कि उन सबको इधर लाओ जो गर्दन हिला रहे थे। सैनिकों ने उन सभी 100-200 लोगों को बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने संगीतकार को कहा कि ये लोग थे जो गर्दन हिला रहे थे, आप कहें तो इनकी गर्दन कटवा दी जाए। अब उस संगीतकार ने कहा, मुझे इन्हीं लोगों की जरूरत थी जो जान हथेली पर लेकर संगीत सुनने को तैयार हैं। असल में सुनने लायक तो ये लोग ही हैं। ये कहानी समाज को ये शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य अगर भय के साथ किया जाए तो वो कार्य भी अपूर्ण है और उसके परिणाम भी, परंतु यदि वही कार्य उस कार्य के साथ एक रूप होकर पूरी लगन के साथ पूरे मन से किया जाए तो भय का कोई चिन्ह नहीं रहता। इसलिए पूरी लगन और निडरता के साथ किया हुआ कार्य ही सफलता के द्वार खोलता है, क्योंकि भय से केवल अशांति फैलती है। तो चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। वाल्मीकि जी की रामायण देव भाषा संस्कृत में रची गई थी, इसलिए रामायण को समझना आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। और फिर ऐसा समय आया कि जब भारतीय संस्कृति पर यवनों द्वारा हमला किया जा रहा था, लोग असुरक्षित थे। लोगों को लगा कि जिस तरह से बाहरी शक्तियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में कौन है जो हमारी रक्षा कर सकेगा। कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा अवतार जीवन में हो जो हमारे भ्रम को दूर कर हमें भय से मुक्ति दिला सके। लगभग 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी आत्माराम दुबे के यहाँ पैदा हुआ एक बालक, जो जन्म से कुछ साल बाद ही अनाथ हो गया। 10-12 साल तक अनाथ होकर अपने गांव में भटकता रहा। तुलसीदास जी के विषय में एक घटना कही जाती है। प्रतिष्ठित परिवार का एक बालक माता पिता सारे रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद मंदिर में रहता, घर घर भटकता। एक दिन घूमते घूमते किसी घर के सामने से निकला तो एक स्त्री ने देखा और उसकी दशा देखकर उसे दया आ गई। वो बोली कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है, और मैं 12 साल का बच्चा गर्दन हिलाता है कि हाँ भूख लगी है। माई ने सोचा इसे खिला दिया जाए कुछ। भीतर जाकर गरम गरम फूली हुई रोटी लेकर आई और बच्चे के सामने रखते हुए बोली कि बेटा रोटी खा ले। बच्चा चुपचाप बैठा रहा। जब रोटी नहीं खाई तो उस माई ने पूछा कि रोटी क्यों नहीं खाता। बच्चे ने कहा, माई मुझे रोटी दो तो। परंतु सच बात तो यह थी कि उस बच्चे ने कभी रोटी देखी ही नहीं थी कि रोटी ऐसी भी होती है। उसे तो भीख में जो कुछ बची खुची जूठन मिल जाया करती, वह वही खा लिया करता था। देखिए,
जिस व्यक्ति को बचपन से इतना विष मिला, वह समाज को रामचरित जैसा अमृत दे गया। यानी भले ही हमें जीवन में कितने ही कष्टों या दुखों का सामना करना पड़े, परंतु हमेशा दूसरों के लिए सुख की कामना रखें। जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उनके दो ही सहारे थे, एक राम और दूसरे हनुमान। हनुमान जी उनका प्रमुख सहारा थे, उनके गुरु थे। हनुमान जी राम कथा का एक एक दृश्य दिखाते और तुलसीदास जी लिखते चले जाते, इसीलिए उनकी पंक्तियों में प्राण आते हैं। पूरी राम कथा 7 भागों में बांटते हुए इन्हें 7 सोपान या 7 कांड का नाम दिया है, और इन्हीं से हमें अपने जीवन के सूत्र मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपने मन में उतारे, जिससे वो आपके जीवन में उतर सके। राम कथा के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता। गरुड़ जी को काक भुशुंडी जी ने सुनाई, याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी को, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, शिव जी ने पार्वती जी को, और तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई। वही कथा जिसे सुनने मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं, और उनके भी अलग अलग धरातल हैं। ये ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण, इनके धरातल पर यह कथा प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास जी समर्पण के घाट पर बैठे हैं, तो ये कथा 4 घाट, 4 वक्ता और 4 श्रोता की है। एक शब्द तुलसीदास जी ने बड़ा मौलिक लिखा है, राम सिए जस सलिल सम, राम जी और सीता जी का यश सुंदर जल के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस जल में अपने मन को धोएं और उसके बाद रामचरितमानस में उतरे। बात थोड़ी गहरी है, लेकिन इसके बिना आनंद नहीं आएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, मति अनुहारी सुबारी, ये सुंदर कथा मैं अपने मन को राम जी और सीता जी के यश के जल में डालकर कह रहा हूँ। चलिए राम जन्म पर आते हैं। अयोध्या में दशरथ जी का राज था। एक दिन दशरथ जी बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। उनको ग्लानि हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। यहाँ राम कथा संकेत करती है कि यदि आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, तो संसार को मत सुनाइए, अपने गुरु के पास जाइए, अपने इष्ट के पास बैठिए और उन्हें बताइए, वे अवश्य मार्ग बताएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज चिंतित मत होइए, यज्ञ कीजिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। यहाँ देखिए, वशिष्ठ जी चाहते तो वैसे भी आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ करवाया। यहाँ समझने की बात है कि संतान पैदा करना एक यज्ञ के समान है, केवल इसे कर्म ही ना मान लिया जाए। पति पत्नी के मिलन का परिणाम संतान हो तो वो धरती पर बोझ होगा। जीवन में कोई ऐसे क्षण होने चाहिए जिनमें दिव्यता की अनुभूति हो, और तब संसार पृथ्वी पर लाई जाए। इसीलिए दशरथ जी से यज्ञ करवाया और दशरथ जी के यहाँ यज्ञ की संतानें उत्पन्न हुई। श्री राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या में 4 राजकुमार आए। श्री राम समेत 4 भाई शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजे गए। यह भगवान संकेत देते हैं कि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है, और अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर ही शिक्षा को प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें अपने नियम हो और अपने अनुशासन हो। भगवान गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें किस बात की कमी थी? उनकी शिक्षा दीक्षा तो राजमहल में भी हो सकती थी, लेकिन वे गुरुकुल में वशिष्ठ जी से शिक्षित होते हैं। भगवान अपने जीवन में एक मोड़ लाते हैं। इसके माध्यम से हम सभी को सिखा रहे हैं कि जीवन में शिक्षा 2 तरह की होती है, एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यवहारिक। जीवन जिस व्यवहार से चलता है, वह कभी कभी किताबों में नहीं मिलता। भगवान ने शास्त्र पढ़े, उन्हें योग वशिष्ठ जी ने सुना दिया, और कुल मिलाकर वशिष्ठ जी ने भगवान को ऐसा तैयार कर दिया कि धरती से रावण राज का खात्मा हो जाए। एक दिन राजा सहित सभी दरबारी राज में बैठे थे, और तभी विश्वामित्र जी का प्रवेश हुआ। विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं, राक्षस लोग
तमाम ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करने लगे हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए आपके दो बेटे चाहिए, मुझे राम और लक्ष्मण को दें। दशरथ उदास हो गए, राजा थे परंतु घबरा गए। सोचने लगे, मुश्किल से इस आयु में तो संतानें मिली हैं, कैसे दे दूं? वशिष्ठ जी बोले, राजन दे दो, यज्ञ की संतानें हैं, यज्ञ के लिए ही काम आएंगी। गुरु की बात मानकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सौंप दिए गए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम में चले गए और यहीं से राम जी की व्यवहारिक शिक्षा आरंभ होती है। विश्वामित्र जी राह में कई ऋषियों की हड्डियों का ढेर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर राम जी मन ही मन शपथ लेते हैं कि जिस दिन मेरा अवसर आएगा, ऋषि मुनियों को इस संताप से मुक्त कराऊंगा। भगवान के साथ वार्तालाप करते करते विश्वामित्र जी ने शस्त्र का ज्ञान दिया, जीवन का ज्ञान दिया और राम जी को संपूर्ण राम बना दिया। वहीं पर श्री राम जी द्वारा माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन्हें ऋषि ने शाप दिया था और उसी के कारण वे पत्थर तुल्य हो गई थीं। उस समय कई ऋषि क्रोध में शाप देते थे, तो सीता राम जी के जन्म का एक कारण था कि वे धरती को ऋषियों के श्राप से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए जब अहिल्या माँ का उद्धार किया तो श्री राम जी ने घोषणा की कि मैं मातृशक्ति के गौरव के सम्मान के लिए ही इस धरती पर आया हूँ। तो देखिए यहाँ राम जी का चरित्र कि जिस माँ अहिल्या के बारे में लोगों ने गलत धारणाएं बनाई थी, भगवान उनका उद्धार करते हैं और तब घोषणा करते हैं कि वे मातृशक्ति के गौरव के सम्मान के लिए पृथ्वी पर आए हैं। परंतु हमारे राम जी की महिमा को कम करने के लिए और नारी को परतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने हमारे ग्रंथों से रामचरितमानस और रामायण से छेड़छाड़ की, जिससे ये मिथ फैला कि श्री राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली और बाद में उनका त्याग किया। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। माता सीता तो माँ आदि शक्ति का स्वरूप हैं और अग्नि देव तो उनके पुत्र के समान हैं, वे तो पूरी सृष्टि की माँ हैं। लंका से निकलने पर उनके शरीर से योग अग्नि प्रकट हुई थी, जिससे लंका नगरी फिर से पवित्र हो गई थी और उसी योग अग्नि से माता का असली रूप प्रकट होकर श्री राम जी के साथ अयोध्या गया था, क्योंकि रावण को मारने के लिए श्री सीता राम जी की ये लीला ही थी और रावण के साथ तो माता का छाया रूप ही गया था, क्योंकि माता का सत्य स्वरूप तो इतना दिव्य था कि अगर रावण उसे छू भी लेता तो वही भस्म हो जाता। श्री सीता राम जी तो दिव्य प्रेम की लीला को प्रकट करने के लिए ही प्रकट हुए थे। अहिल्या और श्री राम जी का प्रकरण बड़ा विस्तृत विषय है, जिन संघर्षों से स्त्रियों को गुजरना पड़ता है वह संघर्ष माँ अहिल्या के जीवन में बहुत आया, परंतु श्री राम जी द्वारा उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने घोषणा की कि मैं मातृशक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए ही आया हूँ। फिर आगे धीरे धीरे भगवान जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर जनकपुर पहुँचते हैं। जनकपुर में भगवान एक वाटिका में विश्राम करते हैं। वशिष्ठ जी ने शास्त्र सिखाया पर उसका व्यवहार कैसे करना है यह विश्वामित्र जी सिखाते हैं, दोनों ही उनके गुरु थे। जीवन में शिक्षा जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान विश्वामित्र जी से वही सीखते हैं और हमारा भी दायित्व है कि जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को जीवन की हर शिक्षा में दक्ष बनाएं। तो चलिए एक घटना से समझते हैं। मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर थे, विषय ही मनोविज्ञान था, इसीलिए हर चीज़ को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने में उनकी रुचि थी। उनका विवाह हुआ, एक बच्चा भी हो गया। बच्चा थोड़ा शैतान था, किसी का कहना नहीं मानता था, अपने मन की ही करता था। प्रोफेसर पिता उसको मनोविज्ञान से सिखाना चाहते थे। एक दिन बच्चा जिद पर अड़ गया कि भोजन नहीं करूँगा। माँ ने कहा कर ले, लेकिन नहीं किया। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। माँ ने सोचा चलो एक चपत जड़ दूँ। फिर पिता मनोवैज्ञानिक थे तो बोले नहीं, बच्चे को मारना ठीक नहीं है, इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाओ।
माताओं को तो एक ही मनोविज्ञान आता है। थोड़ी देर बाद एक चपत रसीद कर दी। पिता ने कहा, ठहरो हम सिखाते हैं। बच्चे से बोले, चल अपन कुछ शेक्टिंग करते हैं। अभिनय करने में तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। वह तैयार हो गया। बोलो ठीक है एक्टिंग करते हैं। पिता बोले, तू हमारे घर अतिथि बनकर आ, सूट पहन ले, टाई लगा ले और फिर घर के बाहर जाकर मेहमान की तरह घंटी बजा। हम दरवाज़ा खोलेंगे, हम कहेंगे आइए आइए, मेहमान समझकर तुझको अंदर लाएंगे और डाइनिंग टेबल पर बिठाकर तुझे भोजन ऑफर करेंगे। बच्चा बहुत खुश हुआ। पिता ने पत्नी से कहा, देखो मैंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है, तुम इसे डांट रही थी, अब गेस्ट बनकर हमारे घर आएगा, उसे खाना खिलाएंगे तो वो खा लेगा। पत्नी ने कहा, चलो देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे ने घंटी बजाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, आइए आइए कहकर अभिवादन किया, अंदर ले आए। पिता ने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, इधर डाइनिंग टेबल पर बैठिए और भोजन कीजिए। बच्चा बैठ गया। पिता ने सोचा, टेक्निक काम आ गई। कॉलर ऊंचा करते हुए पत्नी से कहा, लाओ जल्दी थाली लाओ, मेहमान भोजन करेंगे। थाली लगाई और दोनों देखने लगे। बच्चे ने तत्काल थाली उठाई और बोला, हम अपने घर से खा कर आए हैं, तो देखिए हमसे ज़्यादा तो बच्चे चतुर हो गए हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाएं तो भी नहीं समझने वाले, उनको व्यवहारिक ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। विश्वामित्र जी भी भगवान को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। जाओ राम वाटिका में घूमाओ। शायद गुरु जानते थे कि वहाँ सीता जी पूजन कर रही हैं। राम जी जाते हैं, सचमुच सीता जी पूजन कर रही होती हैं। यहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को बोध होता है। ये ब्रह्मांड की बड़ी ही दिव्य घटना है। सखियाँ सीता जी से कहती हैं, अरे सीते तुमने आंखें बंद कर ली, एक झलक तो देखो। सीता जी मन ही मन पुजारी बने भगवान के दर्शन कर रही थी। सचमुच भगवान के दर्शन इसी तरह करने चाहिए। जब किसी मंदिर में जाएं तो थोड़ी देर प्रतिमा को देखने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। राम जी लौट कर आते हैं और गुरुदेव को विश्वामित्र को सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं, गुरुदेव वाटिका में राजा जनक जी की बेटी भी आई थी, मुझे उनका सौंदर्य बहुत प्रिय लगा, अपने गुरु को सब कुछ बता दिया, इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अर्थात श्री राम जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि चलो भगवान का मिलन होने जा रहा है, जिस घटना के लिए जनकपुर आए हैं वह घटना जन्म लेने जा रही है। सीता राम जी के लिए संसार में आई हैं और अब उनको प्राप्त भी होंगी। उसी समय राजा जनक के मन में सीता जी के स्वयंवर का ख्याल आता है। धनुष यज्ञ का आयोजन रख सभी को सूचना दी जाती है। गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम भी पहुंचते हैं। जनक जी के दरबार में सभी पहुंचते हैं। आसपास के समस्त राजा पधारे थे। कहते हैं रावण भी पहुंचा था। शर्त थी कि जो है शिव धनुष को तोड़ देगा, सीता जी उसे ही भरेंगी। इस शर्त का एक कारण भी था। जब सीता जी मात्र 3 वर्ष की थी तब वो खेल खेल में ही एक ही हाथ से इस धनुष को उठाकर घोड़ा बनाकर चलती थी। सीता हमारी जगन माता हैं, माँ आदि शक्ति हैं। वो इतने भारी शिव धनुष के साथ भी एक खिलौने की भांति खेला करती थी। एक एक करके सारे राजा प्रयास कर गए परंतु सफल नहीं हो सके। धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे हिला भी ना सके। जिस रावण ने खेल खेल में कैलाश उठा लिया था वह भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। सारे पराक्रमी राजा मस्तक झुकाए बैठ गए, मन ही मन सोच रहे थे कि अब कौन ही बचा है जो यह धनुष उठा सकता है। अब तक भगवान चुपचाप बैठे थे। विश्वामित्र जी इशारा करते हैं, जाइए अपना पराक्रम दिखाइए। तब भगवान उठते हैं। देखिए यहाँ भी कितना अच्छा प्रसंग है। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिली राम जी नहीं उठे। भगवान कहते हैं जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन करो। सही समय आने पर गुरु स्वयं ही इशारा कर देते हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो वह ईश्वर ही होता है। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। राम जी आए, देखा और दोनों तरफ से पकड़कर बीच में से इसे इस प्रकार तोड़ दिया मानो कोई साधारण लकड़ी तोड़ी हो। जैसे ही धनुष टूटा सभी राजाओं का अहंकार टूट गया। धनुष टूटा,
सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला डालकर उनका वरण किया। भगवान ने अहंकार तोड़ा और हमें भी सिखाया कि अहंकार तोड़ने के बाद ही दाम्पत्य में प्रवेश करना चाहिए। बड़े सूत्र की बात है। भगवान कहते हैं, परिवार बसाना हो, गृहस्थी चलानी हो, तो सबसे पहले अपने अहम का धनुष तोड़ दीजिए।